ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 पास अध्याय 5 आज का श्लोक संख्या 4। भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्र को उपदेश। कृपया धैर्य। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म जत इंद्रिय प्रीतया प्रीणति न साधु मन्ये जदात्मनयम् असन्न विक्लेशद आसदेहम्। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म जत इंद्रिय प्रीतया प्रीणति न साधु मन्ये जदात्मनयम् असन्न विक्लेशद आसदेहम्। नाम निस्संदेह प्रमत्त मदान्ध कुरुते करता है विकर्म शास्त्रों में वर्जित पाप कर्म। जत जब इंद्रिय प्रीतय इंद्र तृप्ति के लिए अपरिणति प्रवृत्त होता है ना नहीं साधु अच्छा उपयुक्त मनने मानता है जत जिससे आत्मन आत्मा का अयम इह असन खनभंगुर अपि यद्यपि क्लेशात् कष्टदायक आस संभव हो सका देह शरीर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो यह भौतिक रहन तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्म के ही कारण उसे यह खनभंग शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलने चाहिए थी किंतु इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। कृपया धैर्य। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वो नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह खनभंग शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी
किंतु इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में इंद्र तृप्ति के निमित्त मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है, क्योंकि ऐसा भावना से घोर अंधकारमय नरक प्राप्त होता है। व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा दूध क्रिया के वे चार प्रकार के पाप कर्म है। वह ऐसा साधन है जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। वेद का कथन है, असंग ही अयम पुरुषो। जीवात्मा वास्तव में इस भौतिक संसार से किसी प्रकार जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु इंद्र सुख उठाने के प्रवृत्ति रखने के कारण उसे ऐसी भौतिक अवस्था में पड़ना होता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए, उसे और आगे भौतिक देह का फेर में नहीं पड़ना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीजितपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवञ्च श्रीरूपं शाग्रजातं सौगुणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सौगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्निने गौरोद्दिशे नमो। वंशाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नूनं प्रमत्तो कुरुते विकर्म जतीन्द्रिय प्रीत्या प्रीणति न साधु मन्ये जदात्मनयम् आसन्न विक्लेशद आशुदेह। तो यहाँ पर भगवान ऋषभदेव द्वारा आपने पुत्र को उपदेश, ऋषभदेव अपने सपुत्र को उपदेश दे रहा है। और ऋषभदेव कौन है? स्वयं भगवान के अवतार है। तो अब स्वयं भगवान अपना पुत्र को उपदेश दे रहा है, और ये जो उपदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। भगवान कितना कृपालु है, ये संसार में बार बार आते हैं और कितना अच्छा से उपदेश देते हैं अपना भक्त के द्वारा, अपना ग्रंथ माने शास्त्रों के द्वारा, धाम के द्वारा, नाम के द्वारा, भक्त सांगों के द्वारा। भगवान हमेशा हमें सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है कि हम भगवत उन्मुखी हो जाए। तो यह बात देखिए, महत सेवम, इसका पहली भगवान शब्द बताते हैं, महत सेवम दारुर दारम आहुर विमुक्ते। तो हम कैसे भगवत उन्मुखी हो सकते हैं? तो उसके लिए महत सेवम आहुर दारम
दारुम महत् सेवारा हम दारुम विमुक्ते। ये संसार से मुक्त होने के लिए हमें भगवान भगवान के भक्त की संग आवश्यक है। इसका पहले बताएं, अगर भगवान के भक्त के संग नहीं किया तो क्या होगा, हम भौतिक संसार के संग करेंगे। तमोदारम जशितम संगी संगम, तो उससे क्या होगा, हम इस संसार में फंसे रहेंगे जन्म कर्मों के चक्कर में। इसलिए बताते हैं जो हमें उस भक्त के संग में जाना है। वो भक्त के लक्षण भी बताया, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दैवी प्रकृति में हैं। दो प्रकार के प्रकृति है, एक आध्यात्मिक प्रकृति दैवी प्रकृति स्पिरिचुअल नेचर, एक है भौतिक प्रकृति। तो जो भौतिक प्रकृति में है वो सिर्फ विषय भोग उन्मुखी है, आज जो दैवी प्रकृति में है वो 100% वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए वो व्यक्ति क्या करते हैं, भजन्ते माम अनन्य भाग, वो हमेशा भगवान के भजन में मत रहता है। और यहाँ पर जो भौतिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, वो इंद्र दीप्ति के लिए वो विकर्म में प्रवृत्त रहता है, पाप कर्म में प्रवृत्त रहता है, जो शास्त्र बहिर्भूत कर्म है। इसलिए हमें जो भगवान के भक्त है, वो जो भजन्ते अनन्य भाग, जो हमेशा भगवान के भजन में रहते हैं। और वो भजन के किस प्रकार होता है, नौ प्रकार से, जो नौ प्रकार की जो अंग है भजन की, वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सुख आत्मनिवेदनम। ये सारे भजन के अंग है। और उस भजन के अंगों में श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम, हम जानते हैं एक एक व्यक्ति सिर्फ एक एक अंग पालन करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैसे साधु श्रद्धा चाहिए, साधु संगों में ही तो ये है प्राप्त होगा भजन क्रिया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, श्रद्धा, आधो श्रद्धा ततो साधु संग ततो अनर्थ निवृत्ति ततो भजन क्रिया। तो साधु संग में ही हमें ये सब प्राप्त होगा, आदौ श्रद्धा, श्रद्धा साधु संग अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया। तो हमें श्रद्धा चाहिए, अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या होता है, अश्रद्धा ध्यान से पुरुष, वो श्लोक है जो अश्रद्धा ध्यानम पुरुष धर्म शस्य परंतपो अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तने। अगर श्रद्धा नहीं है साधु संग करने के लिए तो उसको क्या होता है, उसका रिजल्ट वो मृत्यु संसार वर्तमनि। जैसा कि इस श्लोक में भी बताया, क्लेशत आंसु देहो, मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु संसार में, मृत्यु लोक में क्या होता है, जन्म मृत्यु जरावेदी आदिभौतिक आध्यात्मिक और आदिदैविक क्लेश। तो क्लेशत आंसु देहो, तो इस संसार में अगर हमें श्रद्धा नहीं है साधु संग करने का, तो हमें संसार में ये सारे क्लेश दासो देह वो प्राप्त होते रहेगा। इसलिए साधु संग में क्या होगा, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हाय साधु संगे, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हैं पुनः पुनः मुख्य अंग। कृष्ण के भक्त के संग करने से कृष्ण के प्रति हमारा भक्ति उत्पन्न होता है। और वो भक्ति कहाँ से उत्पन्न होता है, भक्त संग से, भक्त संग से। भक्तिस्तु भक्त संगस्य जायते, भक्ति केवल भक्त संग में ही प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं जे जो भगवान का जो भजन जो भक्ति कहीं भी स्थिति में कर सकते हैं। आप चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप वानप्रस्थ हो, कई भी स्थिति में, स्थाने स्थित अशुति गतम तनु भाग मनोभी, आप जो स्थिति में है, जो स्थिति आपको अच्छा लगता है, लेकिन उद्देश्य क्या है, बिजनेस क्या है, एक ही बिजनेस है, कृष्ण को प्रसन्न करना, ना कि इंद्रियों को प्रसन्न करने का बिजनेस होना चाहिए। एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जो हमें कृष्ण को प्रसन्न करना।
अतो पम्बी दिज सृष्टा वर्णाश्रम विभागश नत्पदय रति जदिम श्रम ये बोही केवलम। तो हमें जो भी कर रहा है हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं होता है तो श्रम ये वही केवलम। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं, जो स्थिति में है आप उसी स्थिति में आपको भजन करना है। स्थान स्थिता श्रुतिगतम तनुवाग मनोभि। इसलिए कहीं भी गुरु बन सकता है, गुरु बनने के लिए कोई ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण के परिवार से आना पड़ेगा, बहुत सारे योग्यता चाहिए, नहीं। अब जो स्थिति में है अगर आप कृष्ण भजन कर रहे हैं तो आप गुरु बन सकते हैं। कि वह विप्र के बनेशी शूद्र कहने न आए, जयी कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, वो गुरु बन सकते हैं। और ये सिद्धांत तो है, इसलिए हमें बताते हैं जयी भजे से ही बड़ो, जो भजन करता है वो बड़ा है। जयी भजे से ही बड़ो अभक्त हीन चार, कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। जो भजन करता है वो बड़ा है, और जो भजन नहीं करता है वो हीन है, छार है, वही अपवित्र है। और जो भजन करता है तुरंत पवित्र हो जाता है, वो गुरु बन सकता है। जयी भजे से ही बड़ो अभक्त हीन छार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। कोई जाति कुल कास्ट कुछ भी विचार नहीं है। आप कहीं भी स्थिति में जो आपको स्थिति अच्छा लगता है, कृष्ण भजन के अनुकूल है, उस स्थिति में आप भजन करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आप वही से भजन करके आप गुरु बन सकते। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। देखिए यहाँ पर बताते हैं, जो भजन नहीं करते, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो चार कैटेगरी में बांट दिया गया। देखिए एक प्रकार है जो भजन करते हैं, महात्मा है, जो 100% कृष्ण कॉन्शियस है। और जो भजन नहीं करते वो चार प्रकार की कैटेगरी में है। क्या क्या है? नामाम दुष्कृति नामोरा प्रपद्यन्ते नराधमो, उसके बाद आसुरीम भावमाश्रित माया अपहृत ज्ञाना आसुरीम भावमाश्रित। अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो मापकाटी है, वो कहीं ना कहीं पाप में दुष्कृतिकारी है। भगवान के भजन नहीं कर रहा है तो दुष्कृतिकारी है, ये चार कैटेगरी में वो बांटा जाता है, तो ये मापकाटी है। इसलिए अगर हम भगवान के प्रति 100% हम शरणागत नहीं हैं तो हम ये चार कैटेगरी में हैं, हम कहीं ना कहीं दुष्कृतिकारी कैटेगरी में पड़ जाते हैं, पापी कैटेगरी में पड़ जाते हैं। नामाम दुष्कृत न मोरा प्रपत्यन्ते नराधम माया अपरित ज्ञान आसुरम भाव आश्रित। तो ये है कैटेगरी, जो ये जो भगवान के भजन नहीं करता है तो ये पाप कर्मों का कैटेगरी में पड़ जाता है, ये चारों कैटेगरी में पड़ जाता है। इसलिए गीता में बताते हैं जेषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंडमोहन निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कौन भगवान के भजन कर सकता है? जिसका पाप संपूर्ण रूप में विनष्ट हो चुका है वही सिर्फ भगवान के भजन कर सकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रभु पहले बताते हैं जो चार प्रकार के पाप कर्मों के बारे में। ये चार प्रकार का पाप कर्म क्या है? व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा, वो ये चार प्रकार के पाप कर्म है। ये पाप कर्म हमें भगवान के शरणागति होने में बाधा देते हैं, इसलिए पहली पाप कर्म से मुक्त होना है। और ये धर्मों की जो चार खंभा है, पेड़ है, और अधर्मों की चार पेड़ है। अगर समाज में जब अधर्मों की पेड़ फैल जाता है, लंबा हो जाता है, तो धर्मों के पेड़ धीरे धीरे छोटा हो जाता है। जैसा कि मांसाहार, मांसाहार एक अधर्म की पेड़ है, तो वो अगर समाज में लंबा हो जाए तो धर्म की जो पेड़ है, दया है, वो नष्ट हो जाता है। चारी ओर कसाई खाना, चारी ओर जीवहत्या अगर चलता रहे तो किसी के अंदर दया नहीं रहेगा। तो दया रूप धर्मों की जो एक खंभा है, पेड़ है, वो नष्ट हो जाता है।
ये श्रीमद् भागवतम में ही शुरू में ही है और श्रील प्रभुपाद जी वही से लेके आए और वही इस्कॉन में स्टैब्लिश किया है, ये चार पाप कर्मों से पहले मुक्त होना है। तो पाप कर्मों से मुक्त होने से ही हम भजन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, इस श्लोक में देखिए, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, वो विकर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। नूनम प्रमत्त मतलब निश्चितम, नूनम निश्चितम प्रमत्त, इतना परमात्मन प्रकृष्ट रूपे न मत्त, पागल हो जाना, भोग प्रवृत्ति में बिल्कुल पागल हो जाना। नूनम परमत्त, परमत्त पंचभी ये बताते हैं, ऐसे कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना पंच भीरव पंच। अब देखो इंद्र तृप्ति के जो एक एक अंग है कुरंग, ये देखो कुरंग मतलब जो हरिन है, हरिन जब व्यात बहुत सुंदर गाना गाते हैं, साउंड वाइब्रेशन निकालते हैं, तो हरिन उस साउंड को सुनने के लिए आतुर हो जाते और आतुर होके उस साउंड की ओर भागते भाग जाते और जो व्याद होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर में रहते हैं, पेड़ के ऊपर से वो डालिया तोड़ तोड़ के नीचे डालते और हरिन क्या करते हैं, वह नीचे आकर एक तो साउंड वाइब्रेशन सुनते रहते हैं और नीचे वो जो सुंदर सुंदर खाना मिला पत्ता वो खाते रहते हैं और ऊपर से उसके ऊपर नेट फेल देते और इस प्रकार वो पकड़ा जाता है, उसका प्राण नष्ट हो जाता है सिर्फ सुंदर साउंड सुनने की लालच के कारण उसका प्राण अंत हो जाता है। तो एक ही कान, एक ही इंद्रों के आकर्षण में उसका प्राण अंत हो जाता है। और मातंग, मातंग मतलब हस्ती, हाथी होते हैं, वो हाथी अब आसाम गुवाहाटी की ओर जो जंगल है उस जंगल में आज भी हाथी पकड़ने का ये तरीका है, जो एक बहुत बड़ा कुआ, कुआ के अंदर ऊपर से ढक देते ग्रीन पत्ता से, डाल पत्ता से ढक देते और ये साइड में एक हाथीनी को बांध के रख देते और जंगल के जो हाथी है वो हाथी जो मतंग वो उसका स्पर्श सुख के लिए वो आते और वह सामने में उसको पता नहीं चलता है, यहाँ तो एक कुआ है, अंधा कुआ है, ऊपर से ढका हुआ है और वो इस कुआ में वो गिर पड़ते और फिर जो हाथी पकड़ने वाले व्यक्ति वो क्या करते, उसको बिना खिला के रख देते कई दिन तक और उसके ऊपर तीर से त्रिशूल से उसको बहुत कष्ट पीड़ा देते और एक समय ऐसा समय होता है जो हाथी वो बश में आ जाता है, इस प्रकार वो एकदम चंगुल में फट जाता है, मतलब आदमी का चंगुल में, आदमी जैसा बोले ऐसा करना पड़ता है उसको। तो सिर्फ एक स्पर्श सुख के कारण वो अपना स्वतंत्र अपना जीवन खो बैठते। आगे है कुरंग मातंग पतंग, पतंग देखिए जो सौंदर्य है रूप है, उस रूप में इतना आकर्षण हो जाते हैं कि उस रूप में वो भाग के जाके गिर पड़ते। जैसा पतंग जो होता है उसका उदाहरण देते श्रीमद् भागवतम में कि आग, आग आग इतना सुंदर रूप है आग, आग की जी पतंग वो उड़ उड़ के उस आग में जाके अपना प्राण आहुति दे देते, शाहा प्राण शाहा कर देते। वो देख रहा है जब मेरी पहली एक पतंग उस अग्नि में प्रवेश करके उसका हाथ पैर उसका शीर सब जल गया, फिर भी वो अपने आप को रुका नहीं सकते, बलात् अपि नियोजितो बलपूर्वक उस अग्नि में प्रवेश कर जाते और उसका भी वही हाल होता है। तो एक एक जो इंद्र भोग की एक एक विषय के प्रति वो इस प्रकार प्राण खो देते हैं। और भृंग, भृंग सौरभ जो सुगंध उसका लालस में वो जाते हैं, फूल में, फूल के अंदर जाके बैठ जाते हैं और इतना सुगंध प्राप्त होता है
कि वो फूल के अंदर से निकलना नहीं चाहते, और जब शाम हो जाता है उस फूल क्या करते हैं, वो अपने यहाँ वो पापड़ी जो है वो बंद हो जाता है, और बंद हो जाने के नाते क्या होता है, वो और निकल नहीं पाते, और सुबह तक उसका प्राण अंत हो जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंगो मीना, और जो मीना है, जो मछली है, मछली अपना जिब्बा के लालच में बहुत सुंदर वो जो बर्शी होता है उसका अंदर मछली रहता है, उसका अंदर छोटा सा चारा रहता है, और उस चारा को पकड़ने के लिए वो मछली भाग के आते, और उसका पूरा मुंह में उस बर्शी जो है वो उसको भीत जाता है, और इस प्रकार वो प्राण अंत कर देता है। तो ये जो एक एक इंद्रियों के विषय वस्तु के प्रति भाग के एक एक प्राणी इस प्रकार प्राण अंत कर देता है, तो हमारा तो इंद्रियों इस प्रकार सेटिंग किया हुआ है कि चारी ओर से हमें एक साथ में खींच रहा है, चारी ओर से, तो हमारा क्या गति है, बहुत ही मुश्किल है, एक साथ में चारी ओर से मतलब रोशी लगा के खींच रहा है चारी ओर से। इंद्रियों की जो विषय वस्तु है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध है, उसकी ओर चारी ओर से मतलब बड़ा बड़ा चेन से हमें खींच रहा है, तो हमारा क्या गति है, तो नूनम प्रमत्त हो जाता है व्यक्ति, इतना प्रवृत्त हो जाता है मैड ऑफ द सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए क्या करते हो, वर्कआउट बहुत ज़्यादा परिश्रम करो, और वो विदेश में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आप विदेश में गया है तो आपको पता होगा जो वहाँ का आदमी वो चलते नहीं है, दे आर नॉट वॉकिंग एक्चुअली रनिंग, जो समय बहुत कम है उनके पास, लगता है बहुत जल्दी भागना है, भागना है बहुत सारे पैसा कमाने के लिए। आप देखो कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितना आदमी मर रहा है, यंग लड़का मर रहा है, यंग लड़की मर रहा है, बुढ़ा होके मर रहा है, किसी का उम्र 100 साल तक किसका है, 40 साल में, 30 साल में, 50 साल में सब खत्म हो रहा है। 40 साल तक हो गया जीवन अंत मतलब खत्म, अभी आज 40 साल बचा है, उनके पास इतना धन संपत्ति है जो और 40 साल तक वो बैठ के खा सकता है, लेकिन नहीं, वो संतुष्ट नहीं है, वो इतना भागते रहते दिन भर सिर्फ अर्थ उपार्जन के पीछे भागते रहते। वो अभी बैठ के जो हरिभजन करे वैसा कोई इच्छा नहीं, नम प्रमत्त से प्रमत्त होता है, ई ड्रिंक और क्या है, ई ड्रिंक बी मेरी एंड एंजॉय, ऐसा उसका फॉर्मूला है, खाओ दाओ मस्त करो। या फिर उसको बहुत ही निंदा किया है शुरू में, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी शुरू में ही इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति के निमित्त मांगना उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है। चार्वाक का वो जो सूत्र है, ऋणम कृतम हितम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देवस्य, आगे क्या है, तो ऋणम कृतम हितम पिबेत, वो जो भोग प्रवृत्ति व्यक्ति होते हैं वो उसे भोग करना चाहते, वो आगे जो भविष्य पुनर्जन्म भागवत धाम कर्म की रिएक्शन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, उसे भक्त करना चाहते हैं, और उसको यहाँ पर निंदा किया गया है। इसलिए प्रसंग अजरम पाशम आत्मन कवयो विदो सएव साधु सुकृत मोक्षदारम पापृतम। तो ये जो भौतिक संसार, ये अजरम पाशम भौतिक संसार की जो भोग प्रवृत्ति जो प्रसंग है विषय है, वजरम पाशम गले में एकदम इस प्रकार फांस डाल देते, पूरा महाफांस है, उससे निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर वही जो प्रवृत्ति है, जिस प्रकार प्रवृत्ति हमें भोग प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति अगर भगवान में आ जाए, स्टीयरिंग टावर टू कृष्ण, अगर कृष्ण में आ जाए, इसलिए चैतन्य नर्तनदास ठाकुर बताते हैं, विषये जे प्रीति एवे आशये अमार सेई मत प्रीति होक चरणी तुमार। विषय जिस प्रकार हमारा जो प्रीति है वो अगर उस प्रकार प्रीति सेम अगर कृष्ण में लग जाए
तो हम उद्धार हो जाते, क्योंकि विषय में देखिए मदमत्त हो जाता है, नूनम प्रमत्त, और उसके लिए वो क्या करते हैं, विकर्म कुरुते, क्या कर्म कर बैठते हैं, विकर्म, सारे पाप कर्म, शास्त्रों बहिर्भूत कर्म जो पाप कर्म है, और वो एक के बाद एक शरीर क्लेश दास देव वो शरीर प्राप्त करता रहता है। तो वो जो प्रमत्त, अगर वो इस मत्तता भजन में आ जाए तब तो खत्म, इस भौतिक संसार खत्म हो जाएगा। जैसा कि एक व्यक्ति रात के अंधकार में दारू पिया है, और रात के अंधकार में दारू पी के वो चल रहा है रात्रि में। कभी कभी आप देखे होंगे जो दारू पीने वाला व्यक्ति कभी कभी वॉल को भी धक्का मारता है, वो जो रास्ता है रास्ता को धक्का मारता है, सोचता है हम इस रास्ता को यहाँ से हटा देंगे, दूर हटा देंगे, इतना मदमत्त हो जाता है, उसके पास कोई सेंस नहीं रहता है, और उसका शरीर में तो कपड़ा क्या कुछ नहीं रहता है, और रास्ता में चलते रहता है दारू पी के रात्रि में, और कब रात्रि खत्म हो जाता है, कब उसका शरीर से कपड़ा गिर जाता है उसको कुछ पता नहीं चलता है। पता चलता है नहीं चलता है। तो उसी प्रकार अगर छेम मदमत्त तो अगर भजन में हो जाए तो कब जो हम अविद्या रूप जो कवरिंग कब जो गिर जाएगा हमारा शरीर से, और कब हम भवसागर पार हो जाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा। हाँ भजन में इसलिए भजन ते अनन्य मनस, उस प्रकार हमें भजन करना है। पुत्र दार दार आप्त बंधनम संगम पंत संगमम अनुदेहम वियन्ते येते स्वप्न निद्रानुक यथाम। पुत्र दार आप्त बंधनम, ये संसार का जो पुत्र आप्तो दार, ये जो बंधु स्त्री पुत्र परिवार, तुमी कार के तुमार बोले जीव ना करो हो क्रंदन, ये जो स्त्री पुत्र परिवार ये जो मिलन है ये कैसे है, बोलता जैसा कि यात्री होता है, जैसे संगम हो पंत संगम हो, जैसा यात्री होता है ट्रैवलिंग करके जाते हैं, जैसा ट्रेन में बस स्टेशन में एयरपोर्ट में, जैसा बहुत सारे यात्री की एक साथ हो जाता है, मिलन हो जाता है, और एक साथ में बहुत सारे यात्री वह सब अपना अपना फ्लाइट के लिए बैठे हैं, और थोड़ा देर के लिए वो लोग है उधर स्टेशन में, और एक दूसरा से परिचित होता है, और फिर परिचित होने के बाद तुरंत फ्लाइट आ गया, वो अपना फ्लाइट में बैठ जाता है, वो अपना फ्लाइट में बैठ जाता है, गुड बाय, सब कौन कहाँ चला गया कोई पता नहीं। तो उसी प्रकार संगम पांत संगम, वो जो स्त्री पुत्र परिवार के साथ हमारा जो मिलन, ये जो संसार है ये इतना खनस्थाई है कि तुरंत वो कब कहाँ कौन छूट जाएगा पता नहीं, ये परमानेंट नहीं है। इसलिए बताते हैं अनुदेहम वियन्ते येते स्वप्न निद्रानुक यथा, जैसा स्वप्नों में हम बहुत कुछ देखते हैं, ये जैसा स्वप्नों की भांति है, स्वप्नों में हम बहुत कुछ देख रहा है, हम राजा बन गया, शेर आके मुझे खा गया, तो इस प्रकार हम स्वप्न देख रहा है, और जय स्वप्न टूट जाता है, कहाँ राजा है कहाँ शेर है कुछ नहीं है, तो ये स्वप्नों की भांति है संसार, थोड़ा देर के लिए है। इसलिए बताते हैं कि हमारा जो मन इंद्रिय आदि है वो विषय के ओर भागना नहीं चाहिए, विषय के ओर भागेगा तो क्या होगा, विषयं ध्यायेत चित्तं विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरम चित्तं मय्येव प्रविलयाते। बताते अगर विषये ध्यायेत चित्तं विषयेषु विसज्जते, वही विषय को ही प्राप्त करेंगे, जो चित्त है हमारा मौन है वो विषय में अगर धावित हो जाता है तो विषय को ही प्राप्त करता है। इसलिए हमें यहाँ से परिवर्तन करना है, हमारा चेतना से परिवर्तन करना है, इसलिए कृष्ण भावनामित संग है, हमारा वो जो चिंता है उस चिंता हमारा शब्द में परिवर्तन हो जाता है, शब्द हमारा स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, स्वभाव हमारा कर्म में परिवर्तन हो जाता है, और कर्म हमारा भविष्य
जन्म में परिवर्तन हो जाता है, भविष्यत शरीर प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारा यही से परिवर्तन करना है, चिंता में विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसर्जते, वही से विषय की ओर चिंता हमेशा विषय की ओर है, तो एक समय क्या है उस विषय को पाने के लिए लालस मतलब बोलो लालायित हो जाएंगे और उसको पाने के लिए वो कर्म करने लगेंगे और उस कर्मों उसको क्या करेंगे उस विषय रूप विष को विष में उसको फेंक देंगे। इसलिए बताते कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विषय भाण्ड अमृत बलिया जेवा खाए नाना जन सेवा फिर कदर्ज भक्कन करे तार जन्म अदपति जाए। तो देखिए ये जो विषय इतना भयानक होता है जो उसका ओर हम अगर चिंता किया, भागवत गीता में बहुत सुंदर सिस्टमेटिकली बताया कि ध्यायतो विषयम विषयन पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामो कामो क्रोधो विजायते, कैसे एक के बाद एक उत्पन्न होता है। अगर उस विषय को प्राप्त नहीं किया तो वो एक दूसरा इलूशन में पड़ जाता है और वो है क्रोध, क्रोध उत्पन्न हो जाता है और आगे क्या होता है क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोद बुद्धिनाश, इस प्रकार उसकी विनाश हो जाता है, इस संसार में ही वो भटकते रहता है उसका विनाश हो जाता है। बहुत सिस्टमेटिकली साइंटिफिक रूप से भगवान बताते हैं, इसलिए बताते हैं माँ मनुष्यमरम चित्तम मई एव प्रविलयते, अगर मेरी चिंता करो मनमना भव मत भक्त मज्जा जी माम नमस्करो, भगवान बताते अगर मेरी चिंता करो माम अनुस्मरम चित्तम मई एव प्रविलयते, आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, आप मेरी चिंतन कर रहे हो तो एकदम गारंटी देते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रुजो अहम तम सर्व पाप एक मुक्षयिष्यामि माशच, भगवान एकदम पूरा दायित्व ले लेते जब चिंता मत करो पिछले सब कुछ हम देख लेंगे जो भी पाप आदि है आप सिर्फ मेरा शरण में आ जाओ। इसलिए वो श्लोक आता है चिंता चिता समाकृत बिंदु मात्र तो पाते न, चिंता जो सीता है उसका दोनों का काम एक ही है, चिंता भी जलाता है और चिता भी जलाता है, बिंदु मात्र तो पाते न, एक बिंदु की अंतर है ना, चिंता हिंदी में स्पेलिंग करो चिंता और चिता एक बिंदु की अंतर है, दोनों जलाता है, एक मुर्दा को जलाता है और एक जिंदा जलाता है। इसलिए हमें भौतिक चिंता करेंगे भोग वासना की चिंता करेंगे तो हम जिंदा जलेंगे और मरने के बाद मुर्दा जलाता है सीता, इसलिए भगवान के चिंतन करने के लिए कहा जाता है। तो जो ये संसार में जो भगवान के भक्त होते हैं वो भक्त क्या करते हैं ये सारे विषय चिंता छोड़ देते हैं, अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। देखिए अन्न अभिलाषिता, अन्न अभिलाषिता शून्य होके ज्ञान कर्मादि अनावृत, जो कर्मी होता है वो क्या करता है भोग वासना उन्मुखी है, जो ज्ञानी होता है वो क्या चाहता है मुक्ति की वासना करते हैं और जो योगी होता है वो सिद्धि की वासना करते हैं, जो हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए हमको चमत्कार दिखाए संसार में हम अपने आप को भगवान घोषित कर सके कुछ सिद्धि चाहते, तो ये सारे जो इच्छा है कौनमी ज्ञानी योगी की इच्छा ये सब इच्छा से मुक्त होते होके ही भगवान के भजन हो सकता है। अब देखिए एक बार नारद मुनि जा रहे थे और नारद मुनि का भेंट हुआ हिरण्यकशिपु से और हिरण्यकशिपु नारद मुनि के ऊपर बाण की वर्षा करने लगे, इतना वर्षा करने लगे बाण की वर्षा कि नारद मुनि का शरीर में सारे बाण तो ऐसे ही मतलब अदृश्य हो जा रहा है। हिरण्यकशिपु सोच रहा है अरे क्या बात है ये क्यों अदृश्य हो रहा है, ये कि अमर है क्या, इसका दिव्य शरीर है क्या। तो जाके फिर देखो
असुर लोग बहुत बुद्धिमान होते, जिसके साथ वो बल से नहीं जीत पाते उसके साथ मित्रता करते। तो नारद मुनि के साथ फिर जाके आपरस किया, जा आप ये शक्ति कैसे प्राप्त किया, ये आध्यात्मिक ये जो दिव्यता आपने कैसे प्राप्त किया। तो बोला आप भगवान के भक्त बन जाओ, आप भी पा कर लोगे। तो वो तो भगवान के भक्त नहीं बनना है, तो फिर जाके तपस्या करने लगे, घोर तपस्या किया, जोग सिद्धि प्राप्त करने चाहा, जो तपस्या से हम अपने आप को भगवान घोषित करेंगे। तो हिरण्यकशिपु मतलब जो बहुत अच्छा जो सोने का, हिरण्य मतलब सोने का, कशिपु मैंने पालंक, बहुत अच्छा अच्छा मतलब अर्थ संपत्ति प्राप्त करे और अच्छा भोग प्राप्त करे। तो इस प्रकार प्रवृत्तिकारी व्यक्ति इस संसार में ज्ञान कर्म आदि अनावृतम होके तब जाके वो भगवान की अन्न अभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। जो ध्रुव महाराज के अंदर कितना कामना, देखिए भजन करने लगे इस मधुबन में, उसके अंदर क्या कामना थे कि मुझे चाहिए अपना पिता माह से भी बढ़कर एक राज्य चाहिए, ब्रह्मा से भी बढ़कर राज्य चाहिए, क्योंकि मेरा सात माँ मुझे बहुत तिरस्कार किया है। तो एक क्षत्रिय होने के नाते वो तिरस्कार सहन ना कर पाए, ना करके वो जंगल में प्रवेश किया और घोर तपस्या करने लगे, और उनका इच्छा था कि हम ब्रह्मा से भी बढ़कर हमें राज्य चाहिए, और विष्णु की तपस्या करने लगे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय इस मंत्र को जप करने लगे मधुवन में। 6 महीना के अंदर वो भगवान के दर्शन किया, और दर्शन करते ही आप देखिए उनकी सारे वासना जो भौतिक वासना है वो सब छूट गया। स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न जास्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वामी, मैं तो कांच की टुकड़ा ढूंढ रहे थे। स्थान अभिलाषी तपस्वी स्थित हम तम प्राप्तवान देव मनीन्द्र गुच्छम काचन विशिन्वन अति दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थोऽस्मि वरम न जासे। जे हे प्रभु, मैं तो एक राज्य पाने के, एक कुछ लैंड प्रॉपर्टी पाने के लिए हम आपके भजन में रत हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा लज्जित हूँ कि मैं यही पाने के लिए आपका भजन किया। मैं कांच की टुकड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे रत्न मिल गया, जो रत्न देव मनिंद्र गुज्जम देवता की भी दुर्लभ है। पंतास्त कोटि शत वत्सर संप्रगम बायो रथापि मनस मणि पुंगवानम कटि कटि हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तपस्या करके भी जिसका नोक की एक कौन तक भी दर्शन नहीं कर पाते मुनि ऋषि लोग, वो हमें दर्शन प्राप्त हुआ। उस देव मनिंद्र गुच्छम जो रत्न है वो मुझे प्राप्त हो गया आपके दर्शन। तो स्वामीन कृतार्थोऽस्मि वरम न जास्य, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बताते अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदाहरण दी, जिसका जितना भी कामना हो वासना हो फिर भी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। ये ननम प्रमत्त अगर हो जाए विषय के प्रति, और उसी का कारण हमें शरीर मिला है। इसलिए साधु लोग न साधु मन ने जतात्मनयम मसन्न विकले सदा सदेव, साधु लोग इसको तिरस्कार करते कि वही उसी के कारण शरीर प्राप्त हुआ है। कृष्ण बुली जय जीव अनादि महिर महिर भोग या तो ये माया तारे अध्याय संसार दुख, कृष्ण भूल कर हम इस बहिर्मुख संसार में उन्मुख होने के नाते, भोग प्रवृत्ति करने के नाते हमें शरीर मिला है, और फिर भी अगर फिर से हम वही करना चाहे मनुष्य शरीर पाके भी, तो साधु लोग न साधु मन साधु लोग उसको बहुत तिरस्कार करते, साधु लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए उस फिर से 2 बार क्लेश प्राप्त करने के लिए हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। न साधु मन ने क्लेश दासो देव, फिर
ফিসছে পুনরপি জননাম, পুনরপি মরনাম, পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, ওই প্রাপ্ত হোগা। ইসলে কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম এতএব শান্ত, ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত। কৃষ্ণ ভক্তকে কৃষ্ণ হি চাইয়ে হর জো ভক্তি, ভক্তিকে কামনা কন করতা হয় কর্মী, কর্মী লোক ভক্তি কামনা করতা হয়, মুক্তিকে কামনা জ্ঞানী লোক, অসিদ্ধিকে কামনা যোগী লোক। তো ইসলিয়ে জ্ঞান কর্ম আদি অনাবৃতম, আনুকূল্য না কৃষ্ণ অনুশীলনম, ইয়ে সবচেয়ে অনাবৃত নয়। জ্ঞান কর্ম আদি, আদি মতলব যোগ, জ্ঞান কর্ম যোগ এসব কি সব মে যে বাসনা হয়, যা ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কি যে বাসনা হয়, ইয়ে সবচেয়ে অনাবৃত হয়, ও সবচেয়ে মুক্ত হতে হয় ভক্ত শ্রে ভগবানকে ভজন করতে। প্রভাতজি বতাতে কি একবার এক সাধু ও জাস পানিকে উপরছে চলকে আ গিয়া, তো পানিকে উপরছে চলনে কে লিয়ে উসকো কিতনা 30-40 সাল তক উসকো তপস্যা করনা পড়া, ফির বাদ মে পানিকে উপরছে চলনে চলনে লাগা। তো বতাতে ও তো বস হম তো চার আনা 25 পয়সা হতা হয় উসিসে পার হো সকতে যা সকতে, তো ইতনা 40 সাল তক ওয়েস্ট করনে কা ক্যা জরুরত হয়, হম তো 25 পয়সা সে পার হো সকতে, নাও কো বুলাও, নাও মে 25 পয়সা দো আর পার হো যাও, ইতনা ওয়েস্ট অফ টাইম কিউ করনা। তাইলে ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি জাস্ট ওয়েস্ট অফ টাইম হ্যায়, এসমে টাইম ওয়েস্ট নেই করনা, কৃষ্ণ ভক্তি করনা হ্যায়, কৃষ্ণ ভক্তি নিষ্কাম অতএব শান্ত। এবার দেখি এবার এক সুন্দর ভজন হ্যাঁ শিল শিল ভক্তিবিন্দ ঠাকুর কি দ্বারা অবতার সার গর অবতার কেন না ভজিলি তারে, করিনি রে বাস গেল না পিয়াস আপন কর্ম ফিরে। তো চৈতন্য মহাপ্রভু যে হয় গৌর অবতার, অবতার সার গৌর অবতার কেন না ভজিলি তারে, হাম উনকো ভজন নেই কিয়া, হাম পানি মে পানি কা কিনার মে নিবাস করকে ভি হাম পিয়াসা রা যাতে, গেল না পিয়াস আপন কর্ম ফেরে, আমার কর্ম এতে না খারাপ হয় কি হাম আপনা পিয়াস উস পানি সে নেই মিটা রায়, হাম সোচ রা অর কুছ ভৌতিক বস্তু প্রাপ্ত করকে হাম আপনা পিয়াস মিটায়েঙ্গে। আর চৈতন্য মহাপ্রভু যে গড়া অবতার হ্যায় উনকো ভজন নেই গিয়া, যে কি আমার সারি ইচ্ছা সারি বাসনা পূর্ণ করনে বালে। কণ্ঠকে তরু সদাই সেবিলি অমৃত পাইবার আসে, তো কুছ পেড় হতা হয় উস পেড় মে বহুত কণ্ঠক হতা হয় কাটা যো থন হ্যায়, তো উস তরু কো উস বৃক্ষ কো হামনে সেবা কিয়া হ্যায় কিস লিয়ে, অমৃত প্রাপ্ত করনে কে লিয়ে, অমৃত পাইবার আসে অর প্রেম অমৃত প্রেম কল্পতরু শ্রী গৌরঙ্গ আমার তাহারে ভাবিলি বিষে, আম বিষ কা যো পেড় হ্যায় উস পেড় কো সেবা কিয়া হামে, এ যে বিষয় এই সংসার কি যে পেড় হ্যায় এ হ্যায় বিষয় কি বিষ কি পেড় হ্যায় আর উস পেড় কো হামনে সেবা কিয়া আর হামেশা হামে যো থন হ্যায় কাটা হ্যায় উসমে যো কণ্টক হ্যায় ও কণ্টক হামে হামেশা বিষ কি জ্বালা দিয়া হ্যায়, আর চৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রেম কল্পতরু উসি কো হাম বিষ মান লিয়া, এসলে অসত্যের সত্য মানি নিতাই যো পদ কোমল চলন কোমল চৈতন্য মহাপ্রভু ও সত্য হ্যায় আশা অসত্য হ্যায় ও সত্য কো ছোড়কে হাম অসত্যকে ভজনা কিয়া হ্যায়, তো যে ভৌতিক যে বিষয় হ্যায় ও যে ইস প্রকার বিষ হ্যায় জেসা কি সর্প, সর্প আগর দংশন করে উস বিষ কি জ্বালা হাম আগর ডক্টর কো পাস যায় তো বিষ নিকাল দেনে কে বাদ ও দরদ খতম হো জাতা হ্যায়, কিংবা মৃত্যু হোনে কে বাদ
वो दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन विषय जो विष है वो जन्म 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 तक रह जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। और उस विष की भजन किया, उस विष रूप वृक्ष की हम भजना किया है। आज श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम कल्प तरु है उसको हमने विष मान के उसका भजना नहीं किया है। फिर आगे बताते हैं, सौरवेर आशे पोला शोषु के लिए नाशाते पोशिलो कीट। एक प्रकार के फूल होता है, वो उसका नाम है पलाश फूल, और उस फूल में बहुत सारे कीड़ा है और वो बहुत विषिली कीड़ा है। और हमने सोचा उस पलाश फूल की सौरभ पाने के लिए हमने उसको हस्ते से मैंने घ्राण लेने के प्रयास किया, और जितना कीड़ा था वो सारे हमारा नाशा में प्रवेश किया और अंदर में जाके कटने लगा। एक्चुअली पलाश फूल में कोई सौरभ नहीं है, सिर्फ किराया ही रहता है। फिर एक दंड भावी काट और चुशिली के मोने पाई भी मीट। एक दंड भावी जो लकड़ी है, उस लकड़ी को देखने में वो जो इक्षु है, इक्षु की भांति देखने में आए, तो उस लकड़ी को हमने इक्षु सोचकर, जो इसमें से शुगर है, ये शुगर कैन है, तो वो सोचकर हम उसको चिबाने लग गया। तो बताते इक्षु दंड भावी काट और चुशिली के मने पाई भी मीट, इसमें कोई मीठा नहीं प्राप्त होने वाला। ये संसार के जो असत्य वस्तु है, जो संसार के जो वस्तु है जिसमें हम सुख वासना करके प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और उसको भोग करने का प्रयास कर रहा है, वो उसमें वो लकड़ी की भांति है, वो एक्चुअली सुख नहीं देने वाले, वो लकड़ी की भांति है। और उसको हमने प्रयास स्क्वीज करने लगा बार 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 बार, तो उसमें कोई सुख प्राप्त नहीं होने वाला। हार बोलिया गोलाय पड़िली समन किंकर साप। हार बोलिया गोलाय पड़िली समन किंकर साप। और जो सर्प है, बहुत बीजदर सर्प को हमने फूल की माला समझ के उसको गला में पहन लिया। और वो बीजदर सर्प क्या है, ये संसार का ये जो परिवार है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको हम पहन लिया। और वो क्या होता है, हमें हमेशा दंशन करते रहता है। शीतल बोलिया आगन पोहाली पाई ले बजरो ताप। और शीतल पाने के लिए हमने आग के अंदर में, आग के पास चला गया शीतल पाने के लिए। और आग के पास जाने से क्या होगा, ताप ही मिलेगा, तब विषय रूप अग्नि में हम जलते रहते। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताते हैं न्यूज़ क्या है, संसार का न्यूज़ क्या है। संसार का न्यूज़ है एक विशाल बड़ा कड़ाई में सारे प्राणी, जैसे बड़ा बड़ा हाथी को डाल सकते हैं, अब मान लो ऐसा बड़ा कड़ाई में सबको डाला गया, सारे प्राणी को। और वो तीन अग्नि है नीचे से, क्या क्या अग्नि, आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक अग्नि से सबको बैल किया जा रहा है। तो इस अग्नि में हम बैल हो रहा है, इस अग्नि में हमने सोच रहा है हमें शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। शीतल बोलिए आगुन पोहाली पाइली वज्रताप। संसार भजिली श्री गौरांग भूलिली ना सुनिली साधुर कथा। इह परकाल दुकाल खुआली खाइली आपन माता। इसलिए हम संसार की भजना किया है और श्री गौरांग महाप्रभु के शरण में चरण में शरणागत तो नहीं हुआ, साधु की बात नहीं माना, इसलिए हम यो काल परोकाल दोनों को नष्ट कर दिया। अपने आप खाई लिया अपना माता, हम खुद अपना शीर को खा गया चिबा से अपना शीर को अपने आपने खा लिया। इसलिए बताते हैं चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत बन्ना सब जीव प्रेमे भाषे पृथ्वी हईल धन्ना। चैतन्य अवतार जो आए हैं वो प्रेमामृत बनना लेके आए हैं, प्रेमामृत बनना लेके आए हैं। और क्या है, सब जीव उस प्रेम में भास रहा है और इस संसार धन्य हो गया है। ये बनना है जेना भाषे से जीव सार कोटि कल्पे कबूतार नाही कुनिस्तार। और इस बनना में जो डूबा नहीं,
इस प्रेम बनना में चैतन्य महाप्रभु की प्रेम बनना में जो श्रील प्रभुपाद कृपा करके सारे संसार को फैला दिया, इस बनना में जो डुबकी नहीं लगाया, जो भाग नहीं लिया, तो उसका जीवन सार है, आगे कोटि कल्प में भी उसके उद्धार होने का कोई संभावना नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, सबको इस बनना में भाग दिलाना है। हरे कृष्णा। कंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे।